हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम द्रवगुण सेकंड पेपर से प्लांट्स की बात करेंगे। प्लांट्स में से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लांट काचनार। आज हम काचनार के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, ठीक है। अब जब भी हम प्लांट पढ़ेंगे तो हमें जैसे एक तो उसका बोटेनिकल नेम, एक उसकी फैमिली, एक उसका मुख्य क्रम और एक उसका रस पंचक, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें मस्ट है। ये सब चीज़ें आने के बाद हम प्लांट्स के बारे में कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। यानी जैसे आज हम काचनार पढ़ेंगे, उसमें ये सब चीज़ें तो आपको आनी ही चाहिए। तो हम देखते हैं सबसे पहले काचनार का बोटेनिकल नेम। काचनार का बोटेनिकल नेम है बहुनिया वेरीगेटा, ठीक है। आपने देखा होगा काचनार वैसे इजीली मिल जाते हैं बहुत सारी जगहों पे, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रखेंगे, काचनार तो बहुत सारी जगहों पे मिल जाता है, तो उसका बोटेनिकल नेम है बहुनिया वेरीगेटा, ठीक है। और फैमिली कौन सी है? लेग्यूमिनोसी। लेग्यूमिनोसी उनकी होती है जिनकी फलियाँ होती हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि काचनार की भी फली होती है, ठीक है, फल और फली, ठीक है। ये इसमें फलियां लगती है, ठीक है, इसलिए इसकी फैमिली है लेग्यूमिनोसी, ठीक है। और आचार्य चरक ने इसको जो 50 महाकसाय बताए हैं उनमें वमनोपग महाकसाय में इसको रखा है, ठीक है। वमनोपग यानी जो वमन में सहायक हो, ठीक है। तो काचनार को वमनोपग महाकसाय में रखा है। और उर्ध भाग दोष हर, यानी ऊपर के जो उनसे भाग हैं अपने, जैसे शिर है, उरह प्रदेश है, अमाशय है, इन भागों के जो दोष होते हैं उनको हरण कर देता है। जैसे वमनोपग है तो वमन करवाता है, तो उर्द दोष हर कौन सा है? वमनी है। तो सेम बात आचार्य सुश्रुत ने, और इसको कषाय वर्ग में भी रखा है आचार्य सुश्रुत ने, ठीक है। और इसके पर्याय इसका है गंडारी, यानी जो गंड यानी ग्रंथि होती है उसको आरी यानी उसका शत्रु है ये। यानी जहाँ भी हमारी बॉडी में जब कभी भी ग्रंथि होगी तो हम सबसे पहले ड्रग ऑफ चॉइस के लिए काचनार का यूज करेंगे, ठीक है। और इसका जो मुख्य क्रम मैंने बताया था ना, किसी भी प्लांट का मुख्य क्रम आना बहुत ज़रूरी है, तो इसका मुख्य क्रम भी है गंडमाला नाशक। यानी जो गंड यानी ग्रंथि अपनी बॉडीज में कहीं भी ग्रंथि हो जाएगी तो हम काचनार को ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में लेंगे, ठीक है। अब आती है इसकी मोर्फोलॉजी, यानी इसका स्वरूप कैसा है, वृक्ष है, छुप है, गुल्म है। तो काचनार एक वृक्ष है मध्यम प्रमाण का, यानी ज़्यादा बड़ा भी नहीं और ज़्यादा छोटा भी नहीं। पत्थर उसके द्विखंडित गहरे हृदय आकृति, यानी आपने देखा होगा इसके पत्थर होते हैं जो हृदय आकृति, जो अपना हार्ट है वैसा नहीं, जैसे आजकल का हार्ट होता है मॉडर्न जमाने का, ठीक है। तो वैसा हार्ट की इसकी आकृति थोड़ी सी वैसी ही मिलती जुलती होती है, ठीक है। पुष्प होते हैं बड़े श्वेत बैंगनी और गुलाबी वर्ण के, ठीक है। ये अपने जैसे फरवरी और मार्च के महीने में इसके बहुत सारे फूल खिल जाते हैं काचनार के ऊपर, ठीक है। आप इसको देख सकते हो कि ये पुष्प बड़े श्वेत बैंगनी और गुलाबी, ठीक है। ये होगी पुष्प की बात। अब इसकी जाति, यानी इसके कितने और इसके प्रकार हो सकते हैं, जैसे इसके तीन प्रकार बताए हैं, श्वेत रक्त और पीत, श्वेत रक्त और पीत, ये इसकी होगी जाति। अब आते हैं इसे केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं कि हमें इम्पोर्टेंट हो या याद रखना ज़रूरी हो, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें टैनिन और एक येलो ऑयल होता है 16.5% ऐसा इसका केमिकल कंपोजिशन होता है, येलो ऑयल होता है, ठीक है। अब इसका रस पंचक आपको आना ही चाहिए। अगर रस पंचक आपको नहीं पता होगा तो आप किसी भी द्रव्य का यूज़ नहीं कर पाएंगे किसी भी डिजीज़ के ऊपर। जब भी हम डिजीज़ के ऊपर यूज़ करते हैं किसी भी प्लांट्स का यानी ड्रग्स का, तो हम उसके गुण, रस, विपाक और वीर्य या प्रभाव उसको देख के करते हैं। जैसे गंडमाला नाशक है ये काचनार, क्यों है? क्योंकि इसका प्रभाव है वो, ठीक है। प्रभाव की आपको वीडियो बताई जा चुकी है, आप उसको जाके देख सकते हैं कि प्रभाव होता क्या है, ठीक है। रस पंचक में सबसे पहले गुण यानी रुक्ष और लघु, रस होता है कषाय रस, और विपाक कटु। अगर आपको सिर्फ रस पता है, सिर्फ आपको रस पता है, आप उसका विपाक, वीर्य और गुण निकाल सकते हो। कैसे? अब इससे मैं निकाल के दिखाता हूँ। जैसे रस का रस है इसका कषाय, ठीक है।
विपाक आपको पता है जो कटु तिक्त कषाय होता है उसका विपाक होता है कटु, तो कषाय रस है तो विपाक कटु हो गया। अब है वीर्य है इसका शीत, तो आपको पता है मधुर तिक्त और कषाय इसका वीर्य होता है शीत, तो कषाय रस इसमें आ गया तो इसका वीर्य शीत हो गया। और अगर आपको पता होगा कटु तिक्त कषाय वात वर्धक होते हैं, लेकिन ये रुक्ष और लघु इसका गुण अलग से काम करता है, एक्सेप्शन हर जगह मिलते हैं, बहुत सारे प्लांट्स में आपको रस और वीर्य से मिले, लेकिन ज़्यादातर प्लांट इन्हीं प्रिंसिपल्स पे ही काम करेंगे। तो इसका वीर्य शीत प्रभाव मैंने आपको बता दिया था कि गंडमाला नाशक, गंड यानी ग्रंथि, मैंने आपको ये बताया कहीं भी अपनी बॉडी में ग्रंथि होगी तो हम काचनार का यूज करेंगे, ठीक है। अब है दोष क्रम, अब ये जैसे इसके रस गुण ये गुण विपाक से काम करेगा, जैसे रुक्ष लघु और कषाय, कषाय रस है तो इन सब चीज़ों से है वो कफ शामक, ठीक है। और वीर्य शीत है, आपको पता है शीत वीर्य वाले ड्रग्स पित्त शामक होते हैं क्योंकि पित्त उष्ण वीर्य का होता है, ठीक है, तो ये पित्त शामक है। तो इसका दोष क्रम कौन से होंगे, कफ पित्त शामक, ठीक है, कफ पित्त शामक इसका कर्म हो गया। अब इसकी मात्रा यानी अगर हम इसकी इस प्लांट को यूज करें तो कितनी मात्रा में हम इसको यूज करेंगे और कौन सा पार्ट, जो इसका त्वक चूर्ण है वो 3 से 6 ग्राम यूज करेंगे, ठीक है, क्वाथ 40 से 50 ml और पुष्प सवर 10 से 20 ml, ठीक है। तो अगर इनको आप ऐसे यूज करेंगे तो ये इसकी मात्रा होगी। विशिष्ट योग, विशिष्ट योग में काचनार गुग्गुल, काचनार गुग्गुल हम बहुत सारी जगह पर यूज करते हैं, जितनी भी हमारी ग्रंथि होती है बॉडी में और जो हमारी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या सिंड्रोम होती है उसमें हम काचनार गुग्गुल का प्रयोग जरूर करते हैं क्योंकि इसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है उसमें, ठीक है। तो काचनार गुग्गुल, काचनार आदि कषाय, काचनार कुड़िका, ये हो गए इसके विशिष्ट योग। इसका प्रयोजंग यानी हम जो यूजफुल पार्ट है वो क्या है, त्वक और पुष्प, वो इसका यूजफुल पार्ट है। वैसे तो और भी डिजीज में आमिक प्रयोग के रूप में जैसे प्रमेह रोगों में, ठीक है, कुष्ठ रोगों में, मेदो रोगों में काचनार का प्रयोग किया जाता है, ग्राही के रूप में क्योंकि ये ग्राही होता है, ठीक है, क्रीमी, कुष्ठ, गुदभ्रंश, इन सब में काचनार का हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो इसका ड्रग ऑफ चॉइस है वो है गंडमाला नाशक, ठीक है। इस प्रकार हमने देखा काचनार, इसको रिवाइज कर लेते हैं, बोटैनिकल नेम बहुनिया वेरिगेटा, ये आपको आना ही चाहिए, फैमिली लेग्यूमिनेसी, ठीक है, पर्याय गंडारी कर्बुदार और युगम पत्तर, ठीक है, और पत्तर द्विखंडित होते हैं, पुष्प आपको पता है बड़े श्वेत बैंगनी गुलाबी वर्ण के, जाति 3, श्वेत पीत और रक्त, और केमिकल कंपोजिशन में कुछ खास नहीं है, टैनिन है या लोयल है। रस पंचक तो आपको रस पता है कषाय, फिर उससे निकालेंगे विपाक कटु और उससे निकालेंगे वीर्य शीत और गुण रुक्ष और लघु, ठीक है। प्रभाव गंडमाला नाशन, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए काचनार के बारे में। और जो दोष क्रम है उस पर कफ और पित्त शामक है, मात्रा है त्वक चूर्ण की 3 से 6 ग्राम, क्वाथ 40 से 50 ml, पुष्प सवर 10 से 20 ml, और विशिष्ट योग में काचनार गुग्गुल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और काचनार आदि क्वाथ और काचनार आदि कुड़िका। इस प्रकार हमने देखा काचनार, और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।